Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you the short answer type questions part 1 of the chapter The Snob from your book Dear to All the Muses. So chaliye karte hain iske short question answers. Why was John Harcourt in the department store? Whom did he see there? Jo John Harcourt tha wo department store mein kyun tha aur usne wahan kisko dekha? आंसर है जॉन हार्कर्ट वॉज स्टैंडिंग इन डिपार्टमेंट स्टोर में वो था. हिज गर्लफ्रेंड ग्रेस वॉज ऑल्सो विथ हिम और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ग्रेस वो भी उसके साथ थी. ही हैड गॉन देयर टू बाय अ बुक फॉर हर और वो डिपार्टमेंट स्टोर में क्यों गया था? वो अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस के लिए एक किताब खरीदने के लिए गया था. ही सडनली कॉट साइट ऑफ हिज फादर और अचानक ही उसने क्या देखा कि उसके फादर भी वहाँ थे. एट फर्स्ट ही कुड नॉट श्योर इन द क्राउड दैट इट कुड बी हिज फादर. अब क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी डिपार्टमेंट स्टोर में तो इसलिए उसको ये विश्वास नहीं था कि ये उसके फादर ही हैं. उसको यकीन नहीं था कि उसके फादर ही थे. हिज फादर्स बैक वॉज टुवर्ड्स हिम उनके पिता की उसकी तरफ पीठ थी. हिज फेडेड फर मेड हिम श्योर दैट इट मस्ट बी हिज फादर लेकिन उनका जो फेड हुआ फर था उसको देख के उसको लगा कि ये उसके फादर ही होंगे क्योंकि उसके फादर ही इस तरह का थोड़ा सा फेडेड फर वाला जो कोट थे वो पहनते थे. नेक्स्ट हाउ डिड जॉन हार्कोट फील व्हेन ही न्यू दैट हिज फादर वॉज अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम हिम. अब जॉन हार्कोट जब वो डिपार्टमेंट स्टोर में था अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस के साथ तो उसको कैसा फील हुआ, कैसा अनुभव हुआ जब उसको लगा कि उसके पिताजी तो उससे थोड़े से फुट की दूरी पे ही हैं. व्हेन जॉन हार्कोट वॉज स्टैंडिंग ऑफ फ्यू फीट अवे हिज वर्ड्स फ्रोज इन लिप्स तो उससे जैसे बोला ही नहीं जा रहा था. हिज वॉइस बिकम लिटिल मोर देन अ विस्पर और एक जो फुसफुसाहट होती है उससे थोड़ा ज़्यादा ऊंची थी उसकी आवाज़. ही वॉज अफ्रेड दैट एवरी वन इन द स्टोर विल रिकोगनाइज इट और सबको पता लग गया था कि स्टोर में सबको पता लग जाएगा कि उसके फादर जो हैं वो वहाँ पर खड़े हुए हैं. देयर वॉज अ राइजिंग इन हिम अ ड्रेडफुल अनइजीनेस और ड्रेडफुल होता है भयानक उसमें एक मतलब इस तरह का अनइजीनेस फील हो रहा था. वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था अपने फादर को देख के. ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी प्रीशियस ही वांटेड टू होल्ड वाज क्लोज टू डिस्ट्रक्शन और उसको लगा कि बहुत ही प्रीशियस चीज जो वो पकड़ के रखना चाहता है वो सब बर्बाद हो जाएगा. और उसके साथ कौन थी? उसकी गर्लफ्रेंड और उसके फादर जो थे उन्होंने थोड़ा सा कपड़े जो थे वो मैले पहन रखे थे इसलिए वो जो ऐसा फील कर रहा था कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड को पता लग गया कि ये इसके फादर हैं इस तरह का ड्रेसिंग सेंस है तो वो उसके बारे में क्या सोचेगी क्योंकि उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस था उसमें बहुत ही गैप था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज जॉन हार्कोट्स फादर ड्रेस्ड. अब जॉन हार्कोट के फादर ने किस तरह का पहनावा पहन रखा था? व्हाई डिड जॉन हार्कोट फील एंग्री और जॉन हार्कोट फील क्यों गुस्सा हुआ? जॉन हार्कोट्स फादर वाज इन शेपी क्लॉथ्स. जॉन हार्कोट के फादर जो थे वो बहुत मैले कपड़ों में थे. हिज कोट वाज थ्रोन ओपन उसका कोट जो था वो खुला था. टू बटन्स ऑन हिज वेस्ट वर अनडन और उसकी वेस्ट पर भी दो बटन जो थे वो नहीं लगे हुए थे. इन दिस ड्रेस इस तरह की पोशाक में ही लुक्ड वेरी मच लाइक अ वर्कमैन वो एक काम काजी इंसान लग रहे थे. एट द मोस्ट लाइक अ कारपेंटर एक बढ़ई की तरह एक कारपेंटर की तरह. जॉन हार्कोट वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड टोल्ड हिज फादर मैनी टाइम्स टू वेयर हिज गुड क्लॉथ्स when he went out. अब जॉन हार्कोट क्यों गुस्सा था? सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है इसी क्वेश्चन में कि वो इसलिए गुस्से था क्योंकि वो अपने पापा को बोलता था कि जब भी आपने बाहर जाना है तो थोड़े अच्छे कपड़े पहन के जाया करो. बट ही नेवर बॉदर्ड अबाउट इट लेकिन वो इस बात की कभी भी परवाह नहीं करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द डेली रूटीन ऑफ जॉन एंड हिज पेरेंट्स व्हेन जॉन केम होम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एवरी नाइट. जब जॉन यूनिवर्सिटी से हर रात वापस आता था तो जॉन और उसके मम्मी पापा की जो दिनचर्या थी दैनिक दिनचर्या थी वो क्या थी? ठीक है. एवरी नाइट
When John came from the university, हर रात जब जॉन था वो अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़कर वापिस आता था, ही यूज़ टू गो टू इन टू हिज फादर एंड मदर्स बेडरूम. तो वो अपने मम्मी पापा के बेडरूम में जाता था. ही वुड टर्न ऑन द लाइट एंड टॉक टू दैम. और वो जो लाइट थी वो जलाता था और फिर वो उनसे बात करता था. किसके बारे में? अबाउट द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हैड हैपन टू हिम ड्यूरिंग द डे. कि उसका दिन यूनिवर्सिटी में कैसा रहा, क्या दिलचस्प बातें जो थी वो उस दिन के लिए उसके लिए थी. एंड दे लिसेंट एंड शेयर दिस न्यू वर्ल्ड विद हिम. और वो उसकी उस नई दुनिया के बारे में बात करते थे, सुनते थे, और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो आपस में शेयर करते थे, मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे. हिज मदर वुड आस्क हिम क्वेश्चंस. उसकी मम्मा फिर उससे बहुत सारे सवाल पूछती थी. जैसे आप स्कूल में आते हो, स्कूल से घर जाते हो, तो मम्मी पापा पूछते हैं कि आज का दिन कैसा था, पढ़ाई कैसे हुई. तो इसी तरह से जो जॉन था उसके मम्मी पापा भी उससे ऐसे पूछते थे. हिज फादर लिसन्ड अटेंटिवली विद अ स्माइल और फ्रॉन ऑन हिज फेस. और उसके पेरेंट्स जो थे, उसके फादर जो थे, वो एक स्माइल के साथ या फिर एक उनके फेस पे फ्रॉन होती थी. फ्रॉन मीन्स होता है कि उसको घुड़की सी देखकर जो वो देखते थे, ठीक है, या तो उनके फेस पे स्माइल होती थी या फिर घुड़की होती थी. तो ये था आपका एक क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्वारल बिटवीन जॉन एंड ग्रेस. जॉन और ग्रेस के बीच में जो झगड़ा हुआ उसके बारे में बताएं. व्हेन दे वर गोइंग आउट ऑफ द स्टोर, जॉन कॉल्ड ग्रेस अ स्नॉब. जब वो स्टोर से बाहर जा रहे थे तो जॉन ने ग्रेस को स्नॉब कहा. अब ग्रेस कौन है? जॉन की गर्लफ्रेंड, ठीक है. और स्नॉब का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था. स्नॉब जो होता है वो अपने आप को जो वो घमंडी किस्म का इंसान होता है, जो अपने से सुपीरियर लोगों को अच्छा समझता है और जो थोड़े से लो लेवल के लोग होते हैं उनको घटिया समझता है. यानी कि वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटस जिनका अच्छा होता है उनके साथ रहना बात करना पसंद करता है. ग्रेस सेड दैट ही वॉज अ वेरी स्टूपिड पर्सन. ग्रेस ने कहा कि वो बहुत ही मूर्ख इंसान है. हिज फेस वॉज फ्लश्ड और उसका चेहरा उतर गया. इट वॉज हार्ड फॉर हर टू एक्सप्रेस हर इंडिग्नेशन. और वो किस तरह से उससे बात कर रहा था, वो उसके लिए जो था वो एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल था. सो शी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एज शी वॉक्ड अलॉन्ग. इसलिए वो जो थी सामने की तरफ जो है वो देखती रही. जैसे वो चल रहे थे वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी. दे हैड नेवर टॉक्ड इन दिस वे. और इस तरीके से उन्होंने बात नहीं की थी क्योंकि ग्रेस को लग रहा था कि वो उसको इंसल्ट कर रहा है, उसको स्नोब बोल कर. उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है. दे वर क्विकली ईगर टू हर्ट ईच अदर. बट वो एक दूसरे को हर्ट किए जा रहे थे, दुख दिए जा रहे थे. ग्रेस टोल्ड जॉन. और ग्रेस ने जॉन को बताया दैट ही सीम्स टू बी टायर्ड ऑफ हर कंपनी. कि ऐसा लगता है जैसे अब उसे उसकी कंपनी पसंद नहीं आ रही. शी वॉज गोइंग टू गो अवे. और वो जा रही है उससे बहुत दूर. वेन जॉन हैड हर आर्म. जब जॉन ने उसकी जो थी बाजू पकड़ ली थी. अब वट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ जॉन इन द स्नॉब एंड वाई. अब जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें जॉन के बारे में हमारा जो ओपिनियन है वो क्या होता है, हमारी राय क्या होती है, और वो राय क्यों बनती है. जॉन इज अ स्नॉब. जॉन एक स्नॉब है. क्यों? ही वॉन्ट्स टू शो दैट ही बिलोंग्स टू अ सोफिस्टिकेटेड फैमिली एंड दे आर सुपीरियर पीपल. और वो यही शो करने की कोशिश करता है कि वो बहुत ही अच्छी फैमिली से है और वो बहुत ही सुपीरियर लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं. उसमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था. ही डज नॉट इंट्रोड्यूस हिज फादर टू ग्रेस. वो अपने पापा को अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस से नहीं मिलवाता है. बिकॉज ही वॉज शैबिली ड्रेस्ड. क्यों नहीं मिलवाता है? क्योंकि उसने थोड़े मैले कपड़े पहने हुए थे उसके फादर ने. ही वॉज कॉन्शियस ऑफ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन हिज फैमिली एंड दैट ऑफ ग्रेस. अब उसको ये पता था कि उसकी फैमिली और ग्रेस की फैमिली में बहुत फ़र्क है. उनके फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत फ़र्क है, उनके रहन सहन में बहुत फ़र्क है. ही फील्स मिजरेबल बिकॉज नॉट ग्रेस बट ही इज़ अ स्नॉब. और एंड में वो खुद फील करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है ग्रेस, वो
वो स्नॉब नहीं है, इनफैक्ट वो स्नॉब है, क्योंकि वो खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा था और उसको अपने खुद के फादर जो थे वो शैबिली ड्रेस्ड लगे, और इसलिए उन्होंने उसे अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलवाया। उसे लग रहा था कि अगर मैं इतने मैले कपड़ों में अपने पापा को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाऊंगा तो वो उसके बारे में क्या सोचेगी, उसकी तो इंसल्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो ये सब बातें भूल गया कि जब रात को वो सो रहे होते थे, वो यूनिवर्सिटी से वापस आता था, वो उनके रूम की लाइट ऑन करता था और वो स्पेशली उसके लिए उठते थे, उसकी बातें सुनते थे और खुश होते थे। तो वो सब मतलब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसके लिए जो मायने रखता था वो था कि ग्रेस को पता ना लगे कि हाँ उसके फादर थे, और वो उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, और एंड में उसको फील होता है कि मैंने ग्रेस को स्नॉब बोला था। और उसने ग्रेस को स्नॉब क्यों बोला था, ऑलरेडी मैं आपको जब एक्सप्लेनेशन करवाई थी तो आपको बता दिया था, जब उसने कहा कि मुझे भीड़ भड़कने वाली जगह में रहना पसंद नहीं है, बहुत गर्मी है, लोग टच कर रहे हैं, तो फिर उसको गुस्सा आया था, तो उसको लगा था कि वो जो सिंपल लोग हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, उनके बीच में नहीं रहना चाहती। लेकिन ग्रेस को तो पता ही नहीं था कि उसके फादर बहुत सिंपल हैं, बहुत ही शैबिली ड्रेस्ड थे और वहाँ पे आए थे। तो लेकिन क्योंकि जॉन जो था उसके मन में ये बातें थी, तो उसको एंड में ये चीज़ रियलाइज होती है कि जो ग्रेस है वो स्नॉब नहीं है, इनफैक्ट वही स्नॉब है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द स्नॉब। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।